विद्यार्थी जीवन की सभी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। 9 जनवरी से 7 फरवरी के बीच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा देश की 211 शहरों में सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि यहां पर डाउनलोड प्रवेश पत्र की जो सिस्टम है वो सीटेट की वेबसाइट यानी कि seatit.nic.in पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट 9 जनवरी से 7 फरवरी के बीच 211 शहरों में आयोजित की जाएगी और अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट seatit.nic.in पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम 7 फरवरी तक शुरू होगी। आपको बता दें कि अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो आपको पास करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पास नहीं होंगे तो इस समय यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए आयोग गठित हो चुकी है और शिक्षक भर्ती कभी भी आ सकती है। एक बड़ी खबर और आपको बता दें कि 67,000 जो शिक्षक हैं उनकी पदोन्नति हो रही है, तो संभवतः ऐसा पूरा विश्वास है कि आपको आगामी 4 से 5 महीने के अंदर भर्ती देखने को मिल सकती है, जो कि सूत्रों के मुताबिक ये 100% सत्य खबर है। इस खबर के लिए पुष्टि करने के लिए आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली खबर की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी खबर है उन सभी के लिए जो टीजीटी पीजीटी पद बढ़ाने के लिए धरना कर रहे हैं यानी कि अनशन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या रिपोर्ट है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती 2022 में महज 4,163 रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किए जाने पर प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश भर में अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में सहायता अध्यापक जो प्रवक्ता हैं उनकी पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। तदर्थ शिक्षकों के करीब 22,000 पद रिक्त बताते हुए इसे शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिमंडल शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि इसी मांग को लेकर गुरुवार को सुबह 11 बजे से चयन बोर्ड के बाहर क्रमिक अनशन शुरू किया गया है। चयन बोर्ड ने जून 2022 में ये भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसमें टीजीटी के 3,539 पद हैं, जिसमें से 3,213 पद बालक और 326 पद बालिकाओं के हैं। आपको बता दें कि इसी तरह पीजीटी के कुल 624 पदों पर बालकों के लिए 549 और बालिकाओं के लिए 75 पद हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों के मामले में दाखिल याचिका के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने हाईकोर्ट में अभिमत रखा है कि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों के राजकोष में वेतन भुगतान करना उचित नहीं है। इसी के हिसाब से आप यहां पर पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर। यहां पर बात किया जा रहा है यूपी सरकार को राहत, बिना आरक्षण चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रोक। निकाय चुनाव यानी कि जो निकाय चुनाव है पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मिले 3 माह। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देने हुए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण बिना तत्काल शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से गठित पिछड़ा वर्ग आयोग 31 मार्च तक ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PM नरसिंह के पीठ पे बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई कर रहा है। पीठ ने नोट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार 28 दिसंबर 2022 को अधिसूचना जारी कर 5 सदस्यीय यूपी राज्य स्थानीय निकाय चुनाव समर्पित कर रही है। वहीं पर पिछड़ा आयोग को आरक्षण का मामला लेकर यूपी में काफी तेजी से बवाल उठे। इन बवाल को लेकर जो है हाईकोर्ट ने फैसले दिए, लेकिन उस फैसले को लोग संतुष्ट नहीं हुए तो मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को रोक लगा दिया है। अब इसकी पुष्टि होगी और यूपी में एक टीम गठित हुई है, उसकी क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद चुनाव हो पाएगा। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर। प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर एक बड़ी रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिसके हिसाब से आपको बताया जा रहा था। 13 जनवरी तक रिक्त पदों की सूचना तलब की जाएगी, करीब 67,000 पद खाली होने के अनुमान है। तो बिल्कुल यहाँ पर अब तक सरकार तो ये कह रही थी कि हमारे पास जगह नहीं है, सीट नहीं है, मैं भर्ती नहीं कर सकता। बट यहाँ पर सामने एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि 67,000 लोगों की पदोन्नति हो रही है, तो अब यहाँ पर भर्ती खाली होने के पूरी आसार है, जो कि ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। तो यानी कि जो भी भाई बीएड बीटीसी के हैं उन सभी के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है 2023 में। अगर ये बातें सही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये मेरे द्वारा बातें नहीं कही जा रही, ये सीधे सीधे आपके न्यूज़पेपर की है। इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा निदेशालय सुभाष सिंह ने बताया कि 13 जनवरी तक सभी रिक्त पदों की सूचना तलब की जाएगी। इसमें सुरक्षित पद कार्यरत शिक्षकों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या सभी जिलों की मांगी गई है।
जिसमें से प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति एक दशक के बाद हो रही है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक 67,000 पद रिक्त हैं, लेकिन इसके बीच कई शिक्षक रिटायर भी हो चुके हैं। अभी विभाग प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक और जूनियर स्कूलों के सहायक अध्यापकों के पद जो पर पदोन्नति होनी है। जूनियर स्कूल के प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति का मामला हाईकोर्ट में है। वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने पहली बार गणित व विज्ञान के 29,334 शिक्षकों की सीधी भर्ती की। पदोन्नति से होकर शिक्षक और सीधी भर्ती से शिक्षक अपनी शिष्टता और आमने सामने मामले सीधी भर्ती वाले शिक्षक की मांग पर उन्नत होकर आए थे। शिक्षकों का ज्येष्ठ जबकि सरकार ने सभी को एक समान माना था। अब ये मामला हाई कोर्ट में है। तो फिलहाल ये सब बातें छोड़ते हुए आते हैं मुद्दे पर कि भर्ती आएगी या फिर नहीं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि भर्ती आएगी, लेकिन आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि भर्ती आएगी कि नहीं। जब पद रिक्त हो रहे हैं तो भर्ती बिल्कुल आएंगी। तो यहाँ पर जो भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं वो सभी जाएंगे प्राइमरी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएलएड प्रशिक्षु जो है जांचेंगे प्राइमरी के बच्चों को, और जो बीएड वाले हैं वो होंगे जूनियर में, हालांकि डीएलएड भी जूनियर में जाएंगे। तो ये पूरी रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये रही आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देख सकते हैं AIIMS में 112 पद हैं, यानी कि सीनियर रेजिडेंस के पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इन ऑफिशियली वेबसाइट से जाके 31 जनवरी तक ₹1,000 का शुल्क देके आवेदन कर सकते हैं। EDA में ग्रेजुएट के लिए अवसर हैं 14 पदों के लिए, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो एंड करते हैं, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। BRO में 567 पद हैं, यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।